अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आए हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप बताएं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कोरोना से और हर तरह की परेशानियों, बीमारी और प्रॉब्लम से बचाएं, आमीन। तो यहाँ पे जनाब मैं बना रही हूँ पराठे, सहरी का टाइम है और अल बेकर के होल वीट पराठा मैंने आपसे एक बार पहले भी जिक्र किया था, स्पॉन्सर्ड ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ये इतने मुझे अच्छे लगते हैं ना कि बस मज़ा आ जाता है। और ना इसमें ज़्यादा ऑयल है और क्रिस्पी भी बनते हैं और आटे के हैं, मैदे के नहीं। सो मैं खाती हूँ एक पराठा और शहजाद खाते हैं दो पराठे। ये देखें कितने अच्छे फ्लफ अप भी हो जाते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है और हम लोग रात में सोते नहीं हैं, सिर्फ बच्चों को हम सुला देते हैं और हम एक ही बार सहरी करके फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के फिर उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। तो मैं चूँकि फ्रोज़न पराठे बनाने होते हैं तो इसलिए 3 बजे बनाना स्टार्ट करती हूँ और साथ में हम लोग फ्राइड एग्स वगैरह खाते हैं। पिछले साल तो मैं काफ़ी सालन वगैरह घर पर बनाती थी सहरी के लिए भी, लेकिन यहाँ पर तो करीब में सारे देसी ढाबे टाइप जो रेस्टोरेंट है वो खुले हुए हैं, तो शहजाद को बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा आता है, तो शहजाद कहते हैं कि घर पे ना बनाओ, वहाँ से लेके आता हूँ। तो आज भी शहजाद बाहर से लेके आए थे, तो जस्ट मैंने ये पराठे बना लिए, क्योंकि जो बाहर के पराठे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो फिर हमें हैवी सी फीलिंग होती रहती है। तो ये शहजाद लेकर आए थे साग, पालक नहीं है ये साग है, और बहुत मज़े का साग होता है, हमारे घर के पास ही है ये शॉप, तो यहाँ से मिल जाता है। और लालच में मेरे हस्बैंड 2 पैकेट उठा के ले आए थे। खैर इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी अच्छे से। थोड़ा सा मैं फ्रूट भी रख लूँगी योगर्ट के लिए, और योगर्ट में हम आज डालेंगे स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ और रेस्बेरीज़। स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो सीज़न जा रहा है अब, तो वो ख़राब होने वाली हो गई हैं, तो जब हम फ्रेश भी लेके आते हैं ना तो 1 से 2 दिन में ना ऊपर से सॉफ्ट होने लग जाती हैं, तो फिर वो पार्ट रिमूव करके तो मैंने सारी की सारी जो है वो काट ली हैं ताकि ख़त्म कर लें हम लोग। और ब्लूबेरीज़ जो है वो फ्रेश आ रही हैं, रेस्बेरीज़ भी अभी तक तो फ्रेश आ रही हैं। बटर भी मैंने रख लिया, क्योंकि साग हो और बटर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। वैसे ये है कि अब जो ज़माना आ गया वह हर चीज़ जो है वो पूरा साल ही मिलती है, तो स्ट्रॉबेरीज़ भी पूरा ईयर वैसे मिलती तो रहती हैं, लेकिन वो ज़रा एक्सपेंसिव साइड पे होती हैं और इम्पोर्टेड आती हैं यहाँ पे, इस वजह से मे बी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अंडे खाने से आपको प्यास नहीं लगती, तो आई थिंक डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन तो है नहीं तो एसी ही लगाना पड़ता है डे टाइम में, अदरवाइज़ गर्मी लगती है, तो एसी की वजह से आई थिंक इतनी प्यास नहीं लगती। तो अगर आपने ट्राई करना है, अगर आप ज़्यादा एसी वगैरह नहीं लगाते हैं या आपके कंट्री में वैसे ही डिफरेंट वेदर है, तो आप ट्राई करके देख लें एक दिन अंडा खा के, आपको लगती है प्यास या नहीं। हमें तो बहरहाल नहीं लगती। कितने ये वाला जो टाइम है ना, ये बहुत खामोशी वाला, बहुत पीसफुल मज़े का टाइम होता है, और खामोशी से हर तरफ खामोशी होती है, मतलब शोर नहीं होता ना, तो आराम से हम लोग अपनी सैरी करते हैं और बस सैरी खा के फिर उसके बाद पानी वगैरह पीते रहते हैं। जल्दी सैरी कर लेते हैं ना, क्योंकि जब तक फिर अज़ान होनी होती है तब तक पानी पीने का अच्छा खासा टाइम होता है, क्योंकि एक ही बार पेट भर लिया जाए ना तो फिर सारा दिन प्यास लगती रहती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम तकरीबन 40-45 मिनट्स पहले अज़ान से सहरी करके बैठे हों, ताकि उस 40-45 मिनट्स में पानी अच्छे से हम पी सकें। तो यहाँ पे जनाब मेरी ज़बरदस्ती योगर्ट रेडी हो रही है, और जिसमें जा रही हैं स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज एंड रेस्बेरीज। आज का दिन हमारा बहुत हेक्टिक होने वाला था, क्योंकि मैंने अपने लेने थे खाड़ी से वगैरह से कपड़े, ओरिजिन्स वगैरह भी मैंने देखा था इंटरनेट पे कि सफ़ीर मॉल में, शहजाद ने इनफैक्ट मुझे बताया था, तो आज के वो प्लान्स हैं, वहाँ जाना है। तो देखते हैं कि कैसा दिन रहता है आज का। आज मैं आपको सारा दिन अपने साथ रखूँगी, सहरी से लेके इफ्तारी तक, और इफ्तारी के बाद चाय पीने तक भी आप मेरे साथ ही होंगे। बहुत अच्छा है, बहुत मजे का। तो उसके बाद ना फिर ज़्यादा भूख नहीं लगती, वो मैंने योगर्ट भी खाना है तो इस वजह से योगर्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो जो भी हम खाना खाते हैं वो विद इन 2 आवर्स डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर इतना मैं अब ज़्यादा हैवी नहीं खाती शहरी में, क्योंकि डाइजेस्ट तो सब कुछ ही हो जाना है और बाद में भूखा ही टाइम गुजारना है, तो व्हाई नॉट ईट अ लिटिल बिट हेल्दी। बस मैं रेडी हो रहा हूँ,
जा रहा हूँ, तिहामी की एडमिशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी स्कूल की एडमिशन फ़ी जमा कराने के लिए जा रहा हूँ, और जो है साथ में स्कूल बुक्स लेके रहूँगा उसकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हो गया उसका सेलेक्ट जो है, और उसके बाद फिर मैंने जाना है, मेरा बचपन का दोस्त है उससे मिलने के लिए जाऊँगा, तो ये चीज़ है। बाकी इस वक्त सन्नाटा है, खामोशी है, सुकून हुआ हुआ है, तो सो रहे हैं सारे इस वक्त। तेरे को और इतना मोटा है, पिंपल बन गया है। बट द गुड थिंग इज़ कि मैं अपनी वाइटमिन्स वगैरह के ख्याल रखती हूँ ना, तो मुझे उनके स्कारिंग नहीं होती। ये देखें, इतना मैं कम लगाती हूँ फाउंडेशन डेली बेसिस पे कि मैं ये वाले भी नहीं, इनको भी नहीं हाइड करती। अभी ठीक कर देती बेटा। रीड करो फिर से, स्टार्ट करो तस्वीर। मेरी तस्वीर भी पता नहीं कहीं मिशारी ने गिरा दी है, घुमा दी, आई डोंट नो। और अब मेरी तस्वीर अब उस तस्वीर के पीछे पड़ा हुआ है। कौन सी? ये मेरी वाली, इसने ले लिया है। ओह नो। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स पे, क्योंकि बच्चों के लिए मील लेना है। तो हमें कल रोज़ा रखेगा इंशाल्लाह, रखोगे ना? तो आज से हमें का रोज़ा नहीं है, और तिहामी के तिहामी तो ब्रेकफास्ट कराया था, मिशी को भी करवा दिया था शराब, लेकिन उसको ना फिर से भूख लग रही है, तो हम मैकडोनल्ड्स पे इधर वेट कर रहे हैं। ऑर्डर हमारा आना है अभी, आई थिंक
कम लोग आते हैं ना इस टाइम पे, बच्चों वगैरह नहीं लेना होता है, तो इसलिए शायद उस वक्त प्रिपेयर करें, है ना। कितनी देर लग रही है, वरना तो 2 मिनट में फारिग कर देते हैं। रश है? अच्छा, तो बाकी हमारे साथ हुआ क्या है? इस वक्त यहाँ पे हो रहे हैं 3:14। मिशु बेटा बात करने देना। 3:14 हो रहे हैं और हम लोग घर से निकल रहे थे जल्दी जल्दी के, निकल के बस मील लेंगे और उसके बाद जो है ना हम चले जाएंगे। तो लेकिन हम मिशी ने इतना रोना डाला ना, इतना रोया ये उस वक्त, खाम खा के जिद, भूख लगी हुई है खाम खा के जिद। तो हम लोग इसका बैग भी नहीं लेके आए, जो मैंने इसका बैग बनाया था फीडर वाला, वो भी नहीं लाए हैं, और हम लोग कैश भी नहीं लेके आए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रही हूँ सफ़ीर मॉल, वहाँ पे ओरिजिन्स है, वो देखूँगी। एक दो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे भी, अलकरम वगैरह है, क्या नाम है, जमजम मार्केट, नेट पे तो यही लिखा हुआ था कि वहाँ पे अलकरम भी है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे। बेसिकली मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स देख रही हूँ। आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि मैं अभी पाकिस्तानी ड्रेसेस नहीं लूँगी, मैं पाकिस्तान जाके ज़्यादा कलेक्शन में से लूँगी ना। लेकिन बेबी का फूड आ गया जी, मैं देती हूँ आपको, टॉय देती हूँ। एक्चुअली हमने ना मिशारी का भी खाना घर से लेके आना था, लेकिन आज इंटरनेट वाले ने भी आना था और हमारा इंटरनेट थोड़ा सा मसला कर रहा था, उसकी वजह से ना मैं इतनी देर लग गई है, और मैं फिर किचन के अंदर गई नहीं उस साइड से, मैं अंदर रूम में बैठी रही, तो इतनी देर लग गई है कि फिर हम लोगों ने ना बनाया ही कुछ नहीं है। तो हमें यह था कि चलो बाहर से ले लेंगे, लेकिन पता होता कि फिर वापस जाना पड़ेगा। ये वो होता था शादी, क्या नाम होता था, कोयोटी, रोड रनर, रोड रनर। मैं ये देखता था लेकिन मुझे सारे भूल गए। रोड रनर बहुत मजे के होते थे, हम इतना देखते थे अपने बचपन में, हमारे बचपन से चले आ रहे हैं रोड रनर। और वो जो बुरा हाल करता था कोयोटी का, ओए होए होए मजा आ जाता था। निकाल के अपने मुंह में डालने लगी थी फ्राइज, एकदम मुझे याद नहीं है, मेरा तो रोज़ा है। हाँ वो इधर लगाया हुआ था, ज़ाहिर हिलेगा। हाउ इज इट? इधर आए हैं लोकल मार्केट में पहले देखने के लिए ना कि आम घर पे पहनने का मिल जाए तो, लेकिन यहाँ पे बिटवीन 100 to 150 मिल रहे हैं 3 पीस, लेकिन वो सारे ना मतलब मुझे बस मैंने आइडिया लेना था, तो सारी जो लॉन्ग शर्ट्स है ना और एक ही टाइप की, एक शॉप पे मैं सिर्फ गई हूँ, इसलिए मैं पूरी पूरी के पूरी इस मार्केट का आपको आइडिया नहीं दे सकती, लेकिन उस पर यह कि सारे सिर्फ लंबे वाली कमीज़ें ही थी और साथ में एक ही तरह के ट्राउजर्स और दुपट्टे, तो वो बेसिकली मुझे इतने खुले खुले चाहिए भी नहीं थी। मीडियम जो है वो बहुत टाइट हो रहे हैं, कोई स्मॉल है कोई लार्ज में, बहुत मतलब इस तरह से, यानी कि वो यानी लोकल हैं यहाँ पर ना, तो जिस शॉप पर हम गए हैं। तो अब हम जाने लगे हैं सफ़ीर मॉल, वहाँ पे है ओरिजिन्स, और फिर उसके बाद हम मिर्दिफ चले जाएंगे, हम इफ्तारी जी इफ्तारी भी हम मिर्दिफ में कर लेंगे, और वहाँ पे जो है ना खाड़ी भी है और निशात भी है, तो वहाँ पे मैं देख लूँगी, मेरी फ़ाइनल डेस्टिनेशन वही होगी, लेकिन जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू लुक अराउंड एंड हैव एन आइडिया कि कहाँ पर क्या मिलता है। आउटलेट नजर आया और इसमें जाके देखते हैं। क्या कह रहे हैं? ये हैं घर पे पहनने के लिए, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है। अल्टीमेटली मैंने जाना उधर ही है खाड़ी, जस्ट को यहाँ छोड़ के मम्मा वुजू करने लगी हैं, है ना मिशू? विल यू वेट फॉर मम्मा? ओके। नो नो प्लीज।
you. I don't want to. Good boy. चलो चलो आ जाओ. खाड़ी भी मुझे थोड़े से मिल गए हैं और वो मैंने. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे. और मैंने यहाँ से थोड़े से ले लिए हैं दो तीन और बस डन हो गया क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हुए. वैसे तो मुझे रोज़ों के लिए चाहिए थे. तो चलें जब चलते हैं. मिशी बहुत तंग पड़ गया तो अब चलते हैं. अब बस रोज़ा भी खुलने ही वाला है. ड्रिंक हाँ What's this? What's that? Yogurt. Huh? Is it yummy? What are you eating? Yogurt. Oh wow, biryani kha rahe hote yummy? Chicken and corn soup. मेरे साथ हम ही है. चलो नमाज पढ़ के चलो. इतना थक गए हैं ना, इतना थक गए हैं. और कपड़े लेके और उसके बाद साथ ट्राई भी करने पड़े हैं क्योंकि रोज़े हैं. तो मैं नहीं चाहती कि बार बार हमें इतनी दूर आना पड़े. मिर्दीप सिटी सेंटर हम आए हैं और हमारे घर से कितने मिनट्स पे है? 20-22 मिनट लगते हैं. और बच्चे थके होते हैं, फिर मॉल इतना बड़ा है तो ये सारे इशूज़ हैं. जल्दी जल्दी मैंने कपड़े ठक लिए हैं और उनको ट्राई करने में मुझे बहुत टाइम लग गया. लेकिन वैसे चूज जल्दी कर लिया मैंने. 11 नंबर गाड़ी में तो हम घूमते रहे, थक के हाथ थक हम गए. 11 नंबर क्या मतलब? पहले चल चल के दो टांगे हैं ना 11 नंबर में जो है. आप जितना तो टाइम नहीं लगाती है तो चार चार शॉप्स में घूम के आते हैं और एक भी चीज पसंद नहीं आती. बिल्कुल सही कहा आपने. बाकी ऐसे बहुत पिकी हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं है. तो आपकी भी तो चीजें उसी तरह से ही है यार. मुझे ये बताओ ना, ये ले लो सारा उठा दिया. ओके, अब इसमें से मैं फाइनल छंटी करूंगी. सारे रिजेक्टेड, एक सिलेक्टेड. चलो जी नेक्स्ट शॉप पे चले. इसलिए तो हम आउटस्टैंडिंग किस्म के लोग हैं ना, बाहर खड़े रहते हैं. बीवी अंदर, हस्बैंड आउटस्टैंडिंग. जबरदस्त है, आप आउटस्टैंडिंग है. आपके साथ आपके दोनों बच्चे भी आउटस्टैंडिंग हैं. आउटस्टैंडिंग है. तौबा. लेकिन मिशारी ने आज इतना पकाया. वो तो शदाद मुझे हिम्मत दिलाते रहे हैं कि तुम ले लो, क्योंकि मेरे जहन में ये आ जाता है कि ये बच्चों को संभाले, बच्चों ने पकाया हुआ है तो. और फिर डांटते भी नहीं है, उनको प्यार से संभालते रहते हैं. तो वो मुझे फील होता है कि नहीं, बच्चे अब बहुत तंग करें, मैं भी तंग आने लग जाती हूँ. लेकिन यही होता है कि जब हम में से किसी ने भी शॉपिंग करनी हो ना तो दूसरा उसको मोटिवेट कर रहा होता है कि ले लो, इन्होंने तो यही करना है. आज का दिन हमारा स्टार्ट कैसे हुआ था? आ गए हैं हम लोग, आके याद आया कि मिशारी का बैग ही नहीं लेके आए जिसमें उसका दूध वगैरह होता है, और पैसे भी नहीं लेके आए. फिर हम लोग पहले इनका खाना लिया मैकडॉनल्ड्स, फिर हम वापस गए हैं. फिर उसके बाद हम लोग आए हैं और वो मार्केट, क्या नाम है उसका,
जमजम मार्केट, कुलसुम मार्केट, जमजम मार्केट गए हैं, उधर भी कोई बात नहीं बनी, उधर से आ गए हैं। फिर उसके बाद हम सफ़ीर मॉल गए हैं, वहाँ से भी धक्के खा के हम आ गए क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल था ही नहीं। उसके बाद फिर हम लोग मिरदीप सिटी सेंटर आए और आके जो फिरे हैं, फिर रोज़ा खोला है वहीं पे, फिर उसके बाद फिर फिरे हैं। फिर ये है कि वहाँ पे जो मस्जिद है वो थर्ड फ्लोर पे जाके है और इतना बड़ा मॉल है, तो इतना बड़ा मॉल लगता है स्पेशली बच्चों के साथ, अकेले तो इतना फील नहीं होता, नॉर्मल ही लगता है, लेकिन बच्चों के साथ ना लगता है कि बहुत ही बड़ा है। और थर्ड फ्लोर पे वहाँ पे मॉस्क है और हर बार नमाज पढ़ने के लिए थर्ड फ्लोर पे पहले जाना पड़ता है, चल चल के लिफ्ट तक पहुँचते हैं। और मज़े की चीज़ आप लोगों को बताऊँ मैं, कल हम निकले थे, लूर लूर हो रहे थे, तो हमने जो है हमने लेने थे क्या अंडे वो अभी तक नहीं लिए हमने, जो है बाकी सारी दुनिया की चीजें ली, अंडे नहीं लिए। अंडे अब यही होगा नीचे बकाला पे फोन करके उसे कहेंगे छह अंडे भिजवा दो, क्रेट नहीं लेंगे। ये हाल है जी, ये कल की न्यूज है जी, आपको बता दूं। आज एक सब्सक्राइबर मिली मुझे वहाँ पे सेंटर इस पे मैक्स पे, तो हाँ मैक्स पे मिली थी हाँ, तो वो उनसे बातचीत हो रही, तो वो मुझे कहते, मैंने उनसे पूछा कि आप शॉपिंग करने आए, कहती है हाँ मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग करनी है, तो मैंने तो नहीं करनी। तो मुझे पूछा, मैंने कहा हाँ जी मैं शॉपिंग करने आई हूँ, मैंने कहा हम तो वैसे ही बैठे हुए थे, तो हमने कहा चलो निकल पड़ते हैं कहीं पे, तो कहती है शॉपिंग करने चलते हैं, कहती है आप लोग तो अक्सर निकलते रहते हैं। उन्होंने तो मेरी हाँ में हाँ मिले, लेकिन दिल में मुझे मैंने कहा हाँ कि वैसे हर वक्त आवारा फिरते रहते हैं हर वक्त, ठीक है ना कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ थोड़ी कुछ लेते हैं हम, विंडो शॉपिंग करते हैं विंडो शॉपिंग करके, और हमारे शॉपिंग बैग हवा से भरे होते हैं, हवा खरीद के लाते हैं, नहीं विंडो से खरीद के लाते हैं, खिड़कियाँ खरीद के लाते हैं। हाँ जी तो चले, हाँ जी शॉपिंग चले हम लोग लेते हैं अंडे, क्योंकि कल हमने रोजा रखा और अंडे खत्म हो गए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हम बताएं विशु आप और सेंटर में हम बताएं। मुझे हो रहा है बहुत हेडेक, और बस ये अब शहजाद मेरे लिए यहाँ पे रुके हैं, ये पिट स्टॉप है कोई, हाँ यहाँ पे गैस स्टेशन वगैरह है, तो मेरे लिए चाय लेने लगे हैं, कड़क टी, यू वांट चॉकलेट, और क्या हो रहा है, चाय पी जा रही है, ये अंडे नहीं लिए अभी अभी तक हमने जो है अंडे इसी से ही ले ले सके, फ्राई करके दे दे, कल हम खा लेंगे इसमें नमक मिर्च डाल के।